नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार हमारे एपिसोड की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आप लोग का प्यार या आप लोग का देखने का तरीका ही है जो हमें इतने वैरायटीज ऑफ वीडियो या तरह तरह के सब्जेक्ट को टॉपिक पे बोलने का या बात करने का मौका दे रहा है। क्योंकि टॉपिक जो भी हो उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है और जानकारी लेके फिर समझाने का तरीका है सबका अपना कि कौन कैसे समझा पा रहा है। क्योंकि ये भी टॉपिक पे आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा मगर हर एक का बात आपको अच्छा नहीं लगता। जिसको आपको समझाने का तरीका ठीक है या पब्लिक से उसको फैक्ट पता है तो उनका वीडियोस चलता है और हमारा चल रहा है, ठीक ठाक ही है। तो आज के जो बिजनेस से रिलेटेड आप जानते हैं हम वीडियोस वगैरह सारा अपलोड करते हैं, गाइडलाइन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो उसी में एक नया क्वेश्चन आया हुआ था आज हमारे पास कि क्या मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना होगा। मुद्रा लोन पे ही उनका क्वेश्चन है कि क्या अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है लोन के लिए तो क्या वो अगर मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन करता है तो उसको मुद्रा लोन मिल सकता है। देखिए, सिविल स्कोर अगर जिसका भी है अगर खराब है तो वो आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी लोन में जाता है तो उसको परेशानी होना ही होना है। क्योंकि मुद्रा लोन भी जो आप लीजिएगा तो भी किसी ना किसी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। यानी आप मुद्रा लोन भी लीजिएगा तो आपको DIC में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वो फिर वहाँ से स्पुटनिक करके किसी बैंक में देगा। और बैंक जब भी मुद्रा लोन या कोई भी लोन देगा तो उसका सिस्टम है कि उसको सिविल में वेरीफाई करता ही करता है। तो अगर आपका स्कोर खराब है तो हो सके मे भी आपको ना भी मिले। और अगर थोड़ा सा आपने काम किया हुआ है और अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लोन में जाते हैं मतलब कैपिटल गेन के लिए तो फिर हो सके थोड़ा आपका चांस ज़्यादा रहता है। और अगर कोई NBFC कंपनी में जाते हैं तो NBFC कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई लेती है मगर सिविल का थोड़ा बहुत मैनेज वो करते हैं क्योंकि उनको बैंक तो नहीं है, वो तो उनको काम करना है। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, अगर आप गवर्नमेंट से अप्लाई कर रहे हैं मुद्रा लोन का गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक से तो उसमें तो मस्ट है आपका, अगर सिविल का स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आपको नहीं देंगे। प्राइवेट से या NBFC कंपनी से है तो आप उनके बैंक मैनेजर से अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं आपका रेफरेंस ठीक है, आपका ट्रांजेक्शन ठीक है और किसी कारणवश आपका सिविल स्कोर खराब हो गया था तो फिर वो आपका काम आगे कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारा मतलब साल बढ़ रहा है, लोगों की क्वेश्चन की प्रक्रिया भी बढ़ रही है, वेराइटी बढ़ रहा है, तो लोन या मुद्रा लोन पे जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है फ्यूचर में और भी वीडियोस हम बनाएंगे ताकि आपको बिजनेस लोन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान मिले। या कोशिश करेंगे ऐसे कुछ नंबर या कुछ लोगों से भी मिलवाने का जो आपका काम बहुत ही आसानी से करवा पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।